तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन शिंजन बिंजन और चॉप बन चुके थे टॉपर और फाइनली उनको प्रमोशन मिल चुका था सेकंड क्लास में। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना नई बुक्स खरीदे जाए, नए टिफिन बॉक्स और नए स्कूल ड्रेस खरीदे जाए। और वो लोग जाते हैं स्कूल ड्रेस खरीद कर आ जाते हैं, लेकिन तभी एलेक्स जो कि उनका फिफ्थ पोजिशन होल्डर होता है उनके टॉपर लिस्ट में, वो आता है इनके घर पे और इनसे कहता है कि नए वाले स्कूल में कोई स्कूल ड्रेस पहन कर नहीं जाना होता और एक्चुअली में वो इनका पागल बना रहा होता है। अब देखते हैं क्या ये लोग स्कूल ड्रेस पहन कर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, और अगर नहीं पहन कर जाएंगे तो न्यू स्कूल में इनका क्या हाल होगा, देखते हैं इस वाली वीडियो में। अरे फैबिया उठो यार। भाई साहब हाँ भाई, कल भी उठ बे, फटाफट से उठ बे, सो रहा है घोड़े बेच के। अरे हाँ यार जल्दी से उठो यार, कितनी ज्यादा देर लगा रहे उठने में। भाई साहब आज नए वाले स्कूल जा रहा है भाई, जल्दी उठ, कल यार उठ नहीं रहा। कौन है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? अरे यार जल्दी से उठो यार, स्कूल नहीं जा रहा क्या? स्कूल अबे वो तो खत्म हो गया यार, और मैं सेकंड भी तो आया था, भूल गए क्या तुम लोग? अरे यार उसके बाद तुम्हारा सेकंड क्लास में एडमिशन हुआ, वो भी प्रीमियम स्कूल में, ये सब भूल गए क्या? भाई साहब कल अबे आज उस सेकंड क्लास का पहला दिन है। अच्छा अबे हाँ यार याद आया, जिस वाले स्कूल के लिए हम लोगों ने पिछली बार शॉपिंग करी थी। अरे हाँ यार, अपने लिए तो स्कूल ड्रेस खरीद ली, हमारे लिए नहीं खरीदी। अबे तुम्हारे लिए खरीदी तो है भाई, उसने सिलने के लिए टाइम मांगा था, उसने परसों तक का कहा था, मतलब वो कल तक रेडी कर देगा ड्रेस। अरे यार उनका ही फोन आया था। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ यार वो कह रहे हो गई है ड्रेस रेडी। है ये कब हुआ भाई? अरे यार वो कह रहे कि उन्होंने रात में जगकर मेहनत की और ड्रेस रेडी हो गई है। अच्छा तो वैसे भी ड्रेस का फायदा क्या? अरे क्यों यार? अबे भूल गया, कल वो एलेक्स आया था घर पे, उसने कहा नहीं कि इस वाली स्कूल में कोई स्कूल ड्रेस वगैरह पहन के नहीं जाना होता, घर के कपड़े पहन के जाने होते हैं, इसलिए जो पहन रखा तुम लोगों ने वही सही है, स्कूल ड्रेस मत पहन के जाओ। अरे फैबिया यार हम तो स्कूल ड्रेस ही पहन कर जाएंगे। अबे एलेक्स कह रहा था कि भाई अगर कोई स्कूल ड्रेस पहन कर आता है तो पीटते हैं स्कूल वाले। अरे भले ही पीटते हो यार, लेकिन हम तो स्कूल ड्रेस ही पहन कर जाएंगे। तुम्हारी भी अलग ही जिद है भाई। अरे भाई सच में स्कूल वाले पकड़ के पीट डालेंगे? अरे बड़ी मुश्किल से तो यार इतने सालों बाद एक नए कपड़े मिले हैं, हम तो वही पहन कर जाएंगे। ये लोग नहीं मानने वाले गाइस, लगता है ये लोग पिट के ही मानेंगे। ठीक है चलो फिर, तुम लोग नहीं मान रहे तो लेकर आता हूँ मैं तुम लोगों की स्कूल ड्रेस। अरे जल्दी लेकर आ रहे यार। वैसे एक सेकंड, स्कूल ड्रेस मैं क्यों लेने जाऊँ भाई, तुम लोगों की स्कूल ड्रेस है, तुम लोग भी चलो। अरे ठीक है यार फिर चलो, आ जाओ फटाफट से। भाई साहब कल मैं भी आऊँ क्या? नहीं तू यहीं पर है भाई, तू तब तक तैयारी कर, बैग वैग लगा अपने स्कूल का और टिफिन वगैरह, नहीं टिफिन मत लगे भाई तू, वो तो तू यही खा जाएगा, तू यहीं पर आराम कर चौप, हम लोग अभी ड्रेस लेकर आते हैं। ठीक है ठीक है बात साहब, कल नो प्रॉब्लम। और तुम लोग भाई जल्दी आओ, जल्दी से लेकर आना है भाई, और फिर स्कूल भी तो जाना है। अरे ठीक है यार ठीक है। ऐसे गाइस मैं सच बता रहा हूँ, ये लोग पक्का पिटने वाले हैं, वो एलेक्स ने कहा था कि स्कूल ड्रेस पहन कर जाना सख्त मना है और ये लोग स्कूल ड्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। खैर मुझे क्या, मैं तो अपने यही वाले कपड़े पहन कर जाऊंगा, मैं नहीं पहन के जा रहा स्कूल ड्रेस। पकड़ के पीट दिया तो स्कूल वालों ने पहले ही दिन बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी, और मुझे बेइज्जती अभी करवानी नहीं है। और भाई तुम लोग जल्दी से आओ यार, कितनी लेट लगा रहे हो, जल्दी से आओ भाई, आज पहला ही दिन है, पहले ही दिन लेट होना है। अरे पहला दिन? अरे हाँ यार पहला ही दिन है आज तो। अरे चलो यार बैठ गया मैं। ओके गाइस यहाँ पर ये दोनों फटाफट से बैठ चुके हैं। वैसे तुम लोगों को उस दुकान का एड्रेस याद है? अरे बिल्कुल यार, वो जो जहाँ पर बाजार लगा था उसके पीछे ही थी वो दुकान। हाँ 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 याद आया, मुझे भी याद आ गया। ऐसे गाइस लिटरली में पिछली बार हम लोग उस दुकान को ढूंढते रह गए और हमारे सामने से ही कई बार वो दुकान निकल के गई, बट हम लोगों ने गाइस नोटिस ही नहीं किया। बट खैर अब जो भी हो, फटाफट से चलते हैं उस वाली शॉप के पास और लेकर आते हैं गाइस बढ़िया वाली स्कूल ड्रेस चॉप, नहीं चॉप कहाँ, शिनचैन और पिनचैन के लिए। बाकी इनका नाप वाप साइज वाइज तो उसने ले लिया था, देखते हैं उसने बनाया है कि नहीं। फोन आया था उनका? अरे हाँ यार फोन आया था कि ड्रेस बन गई है, आकर ले जाओ। अच्छा वैसे तो ये दर्जियों के नखरे ज्यादा होते हैं भाई, इस बार तो बढ़िया काम किया इन वाले अंकल ने। सही है भाई चलो जाकर देखते हैं गाइस कैसी ड्रेस है। वैसे तुम्हारी भी तो वैसी है व्हाइट एंड ब्लैक ही, बट देखते हैं उसमें ये लोग कैसे दिखते हैं। चलो चलो चलते हैं दुकान पर। सुबह सुबह गाड़ी चलाने के भी अलग ही मजे है गाइस, ये देखो भाई कितना सुहाना मौसम है। अरे सुहाने मौसम को छोड़ो यार फटाफट से चलो। हाँ हाँ बस पहुँचने वाले हैं, ये तो रही वो वाली शॉप जहाँ पर भाई तुम लोगों के ड्रेस बनने वाली है। ओके यहाँ से मोड़ते हैं गाड़ी को और यहाँ पर लगाते हैं अपनी गाड़ी को, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। इन वाले अंकल को क्या हो गया भाई, इनकी जिंदगी में क्या गम है भाई, उल्टी बेंच करके इधर की साइड मुंह करके बैठे हुए हैं। क्या हो गया सर, क्या हो गया? अरे छोड़ो यार क्या ही बताऊं तुम्हें, कुछ काम नहीं है कि निकलो यहाँ से। अबे मैं तो इनकी प्रॉब्लम पूछ रहा था, ये तो सुना कर ही चले गए मुझे। खैर जो भी हो आ चुके हैं गाइस इस वाली शॉप में। अरे सर दुकान खोलो। हेलो मोटा भाई कैसे हो? ओके गाइस हाँ ये रे। अरे
अरे मैंने सुबह सुबह फोन किया था, फोन तो उठा लिया तुमने, कितनी लेट आए हो तुम लोग। कोई बात नहीं, वो सर आप कह रहे थे ड्रेस बन गई है। हाँ हाँ ड्रेस बन गई है दोनों बच्चों की, ले जाओ। थैंक यू सर। वैसे गाइज एक चीज तुम लोग नोटिस करो भाई, इन वाले अंकल के पीछे देखो ये शूज लगे हैं, इनमें एक रेड कलर का शूज लगा हुआ है और सेम टू सेम मेरे जैसा ही है। हाँ बात तो सही कह रहे हो, वैसे जाओ अपनी स्कूल ड्रेस ले लो। अरे अंकल अंकल का स्कूल ड्रेस? अरे बेटा इधर नहीं है, उधर रखी है मैंने। अरे ठीक है अभी पहन कर आते हैं यार। जाओ भाई जल्दी पहन कर आओ, स्कूल भी जाना है। अरे इधर है क्या स्कूल ड्रेस? हाँ इधर ही है, जाओ जल्दी पहन कर आओ। अरे भाई यार क्या ही हैंडसम हूँ मैं। अबे हैंडसम छोड़ भाई, जल्दी से पहन करा। अरे यार पहन कर आ गए हम लोग। पहन कर आ गए, देखते हैं गाइस जरा ये लोग कैसे लग रहे हैं। फिलहाल तो तुम लोग भी रेडी हो जाओ। ओके। ओ भाई साहब, ओ तेरी, ये कैसे लग रहा है भाई तुम दोनों? अरे कैसे लग रहा है यार? ठीक लग रहे हो भाई, और ये व्हाइट कपड़े तो कुछ ज्यादा ही अलग ही लग रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड, अरे क्या हो गया यार? अबे मेरे को कैसे पता चलेगा इसमें शिनचैन कौन सा है और पिनचैन कौन सा है? अरे लेकिन तुम्हें पता ही क्यों करना है? हाँ वो भी सही बात है, चलो आ जाओ संग संग आ जाओ मेरे। अरे चलो यार चलो। ऐसे मैं भी हैंडसम हूँ यार, मैं भी कुछ कम नहीं, बॉडी बॉडी देखो मेरी। अरे अब स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा? अच्छा नहीं नहीं भाई, हो रहा है लेट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू क्या, पैसे? पैसे दे तो दिए थे पिछली बार। हाँ याद आया। अरे यार चलो चलो। ओ भाई साहब यार इनकी स्कूल ड्रेस तो सच में बढ़िया लग रही है, ये लोग सही लग रहे हैं यार अपनी स्कूल ड्रेस में। मुझे भी स्कूल ड्रेस पहन के चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं भाई मैं नहीं फिटना चाहता। इनको पता नहीं है गाइस ये लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। खैर जो भी हो, करो तुम लोग गलती भाई, तुम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हो, बाकी बहुत बुरी तरीके से पिटेंगे ये लोग। जब ये लोग पिट रहे होंगे ना भाई, मैं तो अपनी आंखें बंद करने वाला हूँ। अरे हाँ यार कोई बात नहीं, कर लेना, वैसे भी इतने दिनों बाद नए कपड़े मिले हैं, हम लोग कैसे छोड़ दे नए नए कपड़े। ठीक है भाई ठीक है। ओके गाइस अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं स्कूल के लिए। अरे ऐसे कैसे निकल ले आएंगे यार? क्यों भाई क्या हो गया अब? अरे यार चॉप को नहीं लेना क्या? अच्छा हाँ चॉप भी तो है, ले उसे तो मैं भूल ही गया था गाइस। हाँ तो पहले घर जाते हैं, फिर चॉप को लेकर फिर वहां से निकलेंगे हम लोग डायरेक्टली स्कूल के लिए, लेट्स गो। अरे यार ये गाड़ी कैसे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। और ट्रक वाले भैया हट जा, दो दो ट्रक एक साथ गली के अंदर। ओके अभी फटाफट से निकलते हैं गाइस सीधे अपने घर की तरफ। घर की तरफ आ चुके हैं गाइस, और ये पुलिस का सायरन क्यों बज रहा है? ओ भाई साहब चोर 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 चोर। अरे कहाँ देख लिया तुमने चोर? ये रेड वाली गाड़ी में चोर है, वाली गाड़ी का पीछा कर रही है पुलिस। रुक पे, ओए चोर के बच्चे रुक। अरे यार स्कूल जा रहा है कि तुम्हें चोर पकड़ना है? रुक जा भाई, पुलिस वालों की मदद करने दे। ओके ओके चोर के बच्चे। ओ ओके गाइस ये रे चारों चोर ये किसकी तरफ एम करके दौड़ रहे हैं भाई? भाई चार चार चोर थे ये लोग, तुम्हारी ऐसे के तैसे तुम लोग चोरिया करोगे। पुलिस वाले आ चुके गाइस, यहाँ पर चोर और पुलिस की बहुत ही ज्यादा एपिक वाली फाइट होने वाली है, दो पुलिस वर्सेस एक अकेला चोर। और ये चोर मेरे पे क्यों भड़क गया यार? अरे मुझे क्या पता, तेरी ऐसी की तैसी, तेर से कुछ कह नहीं रहा था, यहाँ पर पंगे ले रहा है मेरे से। तीन को तो ढेर कर दिया गाइस, एक चोर इधर भाग रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। भाई साहब मैं तो बस पुलिस वालों की मदद कर रहा था, ये चोर तो सारे के सारे मेरे पे ही भड़क गए गाइस। खैर कोई नहीं, मैंने इन लोगों को टपका दिया। चलो गाइस फटाफट से अब घर पे चलते हैं। ये गाड़ी वाला इतनी तेज क्यों भाग रहा है? अरे कहीं ये भी तो चोर नहीं? नहीं अगर चोर होता तो पुलिस तो इसके पीछे पड़ी होती। बाकी रुक बे मेरे से रेस लगाएगा तू, है बे मेरे से रेस लगाएगा, मेरे से रेस लगाएगा। ओए रुक बे। अरे यार रेस के चक्कर में घर पीछे छूट गया अपना। अच्छा सच में गाइस रेस के चक्कर में घर पीछे छूट गया। चलो आ गए घर। अरे अब चलो जल्दी से स्कूल। हाँ हाँ पहले स्कूल बैग लेकर आता हूँ। भाई तो नहीं गोलियां किसने भर दी मेरे अंदर? अरे उन्हीं चोरों ने यार। हे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे क्या? लगता तो यही है यार। दूसरे कपड़े चेंज करके आता हूँ मैं, रुक जाओ तुम लोग वहीं पर। चलो गाइस यहाँ पर दूसरे कपड़े मैंने पहन लिए है, अब चलो यार स्कूल चलते हैं। चल भाई चौप। भाई साहब स्कूल बैग तो ले ले। अबे हाँ यार स्कूल बैग रह गया यार, कहाँ रखा है स्कूल बैग? चलो गाइज स्कूल बैग भी यहाँ पर मैंने ले लिया है, अब तो कुछ नहीं छूट गया। अरे नहीं अभी तो फिलहाल कुछ नहीं छूटा है। तो चलो भाई स्कूल, मुझे लग रहा है हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, और वैसे भी इस वाले स्कूल में कोई स्कूल बस वगैरह नहीं आने वाली है, यहाँ पर सबको अपने गाड़ियों से ही आना होता है, तो चलो फिर जल्दी से। अबे आ जाओ भाई कितनी लेट कर रहे हो तुम लोग। भाई साहब कलो मेरे लिए रुकियो तू। अबे हाँ यार रुका हूँ। अरे लेकिन यही गाड़ी लेकर स्कूल जाओगे यार? स्क्रैचेस वगैरह लग गए हैं। अरे स्क्रैचेस तो ठीक है, खून के धब्बे भी लग गए यार। हाँ
यार बात तो सही कह रहा है भाई साहब। कल वे हाँ बे स्कूल वालों ने ये सब देखा तो क्या सोचेंगे बे हमारे बारे में वो लोग। अबे क्या सोचेंगे, क्या कह देंगे सुबह सुबह एक चोर पकड़वा के आए हैं। लेकिन वो विश्वास थोड़ा ना करेंगे तेरी बातों का। हाँ यार ये भी सही बात है, वो तो हम लोगों को झूठा समझेंगे। अरे इसीलिए यार रास्ते में गाड़ी को रिपेयर करवाते हुए चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई ठीक है। वैसे रिपेयरिंग सेंटर कहाँ पड़ेगा इधर? अरे इधर शायद रास्ते में होगा जरूर। रास्ते में तो नहीं है, उस वाले मॉल के पास है। चलो जल्दी से जाते हैं मॉल के पास और गाड़ी रिपेयर करवाते हैं। यार आज पक्का लेट होने वाले हैं गाइस हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। खैर अब लेट हो ही जाएंगे तो हो ही जाएंगे, वैसे गाड़ी को तो साफ करवा के ले जाएंगे। लेट्स गो। फाइनली अपनी गाड़ी को लेकर हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस लॉस सैंटोस कस्टम शॉप, और यहाँ पर गाड़ी ने हमारी बहुत तगड़ी ड्रिफ्ट लगाई है। चलो यार फटाफट से इसको रिपेयर करवाते हैं। ओए कस्टम शॉप वाले भैया गेट खोल, जल्दी 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 से रिपेयर करो भाई इस वाली गाड़ी को। अरे हाँ जल्दी से रिपेयर करो, टाइम नहीं हमारे पास। ठीक है सर ठीक है। रिपेयर फुल बॉडी लेट्स गो। अरे यार मैं तो कह रहा था थोड़ा कलर वलर। ओ कलर वलर बाद में ठीक करवाते रहेंगे, अभी फटाफट से निकलते हैं। चलो गाइस रिपेयर हो गई है गाड़ी, अब फटाफट से स्कूल निकलते हैं। यार स्कूल जाने से पहले इतनी लेट हो चुके हम लोग, लिटरली आज स्कूल में पता नहीं घुसने देंगे कि नहीं ये लोग। खैर अब जो भी हो निकल पड़े हैं स्कूल के लिए तो निकलते ही हैं, अब कुछ भी हो जाए भले ही। फाइनली गाइस काफी ज्यादा देर की मेहनत के बाद अब लगता है हम लोग फाइनली स्कूल पहुंचने वाले हैं। ओ गॉड फाइनली। टाइम क्या हो रहा है एक बार देखता हूँ, रुक जाओ। ओ भाई 8:45 हो गया यार। अरे स्कूल कितने बजे का था? 8:30 का शायद। गाड़ी को कहाँ रखना होता होगा भाई? अरे मुझे क्या पता है यार, शायद यहाँ पर एक गाड़ी तो है। एक काम करते हैं ना भाई, सड़क के किनारे पार्क कर देते हैं, क्या ही हो रहा है। ओके यहाँ पर लगा देते हैं, वैसे भी ये इतना बड़ा बंगला है, ये लोग अपनी गाड़ी को सेफ रखेंगे। आ जाओ भाई फटाफट से चलते हैं। अरे हाँ यार चलो चलो जल्दी जल्दी आओ भाई जल्दी जल्दी आओ। ओके चलो गाइस पार्क करते हैं, यही अपने स्कूल गाइस। और गेट शायद उधर से है, हाँ इधर से है गेट। आ जाओ भाई, कहाँ रह गए तुम लोग? अरे हाँ यार आ रहे, रुको तो भाई, बहुत स्लो है तुम लोग। और वो चौप का बच्चा वो अभी तक गाड़ी पे ही है भाई, जल्दी आ चौप। भाई साहब आ गया आ गया आ गया मैं। ओके गाइस यही अपने स्कूल। ऐसे सामने वाले स्कूल की जो 7 बसेस थी वो कहाँ गई? अरे यार वो तो यार वापस चली गई होंगी ना, क्योंकि वो स्कूल तो 7:30 बजे ही शुरू हो जाता है। अच्छा हाँ हमारा प्रीमियम वाला स्कूल 8 बजे मतलब 8:30 बजे शुरू होता है। ओके चलो एंट्री लेते हैं। ओए रुको रुको, क्या हो गया सर? तुम लोग न्यू एडमिशन हो? यस सर बिल्कुल बिल्कुल। और टाइमिंग का पता नहीं है क्या? नहीं पता है सर, वो 8:30 बजे की टाइमिंग है। वो एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गए, वो पहला दिन था ना सर, तो वो गाड़ी में हवा नहीं थी तो गाड़ी में हवा भरवा रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो लाइन लगा लो। लाइन लगा ले वो किस लिए? प्रेयर करने के लिए। प्रेयर भी करनी पड़ेगी क्या? क्यों प्रेयर नहीं करते क्या तुम लोग? अच्छा प्रेयर करनी पड़ेगी, ठीक है यहीं पे लाइन लगा ले। हाँ हाँ सुबह 8:30 बजे यहीं पर प्रेयर होती है। हमें तो पता ही नहीं है। तो पता कहाँ से होगा, पहली बार आए हो तो। अच्छा ठीक है सर, लाइन लगा लिया सर। अरे ढंग से सीधी लाइन लगाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे क्या हो रहा है ये, वैसे सारे बस हम ही 4 बच्चे हैं क्या? अरे 8:30 बजे सारे बच्चे प्रेयर करके अंदर पढ़ने भी चले गए हैं और तुम आयो 15 मिनट लेट। अच्छा सर ठीक है समझ गया, मतलब और सारे बच्चे यार चले गए अंदर, वो लोग सही टाइम पे आ जाते हैं। खैर जो भी हो, चलो भाई लाइन लगाओ। शिंजन मिंजन क्या कर रहे हो? चौ भाई तू भी लाइन लगा। चलो चलो प्रेयर करना स्टार्ट करो। प्रेयर कोई करवाएगा तब ना सर, पहले तो ये चेक करो 1 हैंड डिस्टेंस है कि नहीं। अरे 1 हैंड डिस्टेंस भी चेक करना पड़ेगा भाई साहब, मेरा हैंड तो भाई बहुत छोटा है, ऐसे तो मैं तेरे पास ही आके खड़ा हो जाऊँ क्या? चल बे चौप वहीं रह तू। ओ भाई वो सर प्रेयर कोई करवाता होगा तभी सारे करते होंगे ना। हाँ हाँ तो वो तो सब क्लास में पढ़ने गए, तुम लोग इतनी लेट आयो। तो सर आप ही करवा दो प्रेयर। अच्छा जो भी प्रेयर तुम्हें आती है वो कर लो, ठीक है कल से रेगुलर आना, सही टाइम पे आना तो प्रेयर करने को मिलेगा। ठीक है सर ठीक है। तो कौन सी प्रेयर करूँ मैं? अरे कोई प्रेयर कर लो यार, तुम्हें आती नहीं क्या? नहीं ढंग से कोई सी याद तो नहीं है। अरे भाई साहब कैसे हो तुम लोग, मेरे को एक प्रेयर आती है। ठीक है भाई तो जॉब तू करवा दे भाई प्रेयर। तो भाई सुनो, प्रेयर में हम लोग गॉड से विश मांगते हैं कि कुछ तो हमें बढ़िया मिले, समझ रहे हो तुम लोग? तो प्रेयर तो बता तू। प्रेयर तो मेरे को भी नहीं आती, बस ये पता है प्रेयर में बोलना क्या होता है। अरे कुछ भी कर लो भाई, ऐसे ही कर लो।
जय 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 हो। और बस हो गया, हो गई प्रेयर? अरे यार वो देख रहे हैं इधर ही। चलो चलो, कोई सी प्रेयर नहीं आती क्या? नहीं सर, एक्चुअली में हम लोग पहली पहली बार ही स्कूल आ रहे हैं ना, इसलिए कोई ढंग से प्रेयर आती नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, प्रेयर भी छोड़ो तुम लोग। थैंक यू सर, चलो अब चलते हैं क्लास में। छोड़ो छोड़ो का मतलब है मैं तुम्हें प्रेयर करवाऊंगा। अच्छा करवाओ सर। पूरी नहीं, बस एक लाइन करवाऊंगा। तो एक लाइन ही करवाओ। चलो बोलो, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे। अच्छा, अरे हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले अरे खुद की जय करे। चलो चलो, यही प्रेयर सुबह सुबह रोज 8:30 बजे होती है, लेकिन तुम लोग लेट आए हो इसलिए तुम लोगों ने प्रेयर मिस कर दी। खैर कोई नहीं, अब चलो जाओ अपनी अपनी क्लासेस में। लेकिन क्लास का हमें पता नहीं है सर। हाँ तो स्कूल के अंदर जाओ, किसी से पूछ लेना, कोई भी बता देगा। ठीक है, वैसे इतनी सारी भीड़ क्यों है? अरे वो पेरेंट्स वगैरह आते रहते हैं, कोई फीस जमा करने आता है, कोई टीचर से मिलने आता है, इसलिए इतनी भीड़ लगी रहती है हमारे स्कूल में। अरे इस स्कूल का पर्सनल कोई प्लेग्राउंड नहीं है क्या? नहीं प्लेग्राउंड कोई खास है तो नहीं, बस हाँ जो भी कुछ भी करना होता है यहीं पर कर लेते हैं। ओके, और बाकी सारे जो बच्चे आते हैं वो गाड़ी से आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? देखो बाकी जो बच्चे आते हैं वो सब अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं तो उनके पेरेंट्स छोड़कर चले जाते हैं गाड़ी लेकर, और कोई कोई टैक्सी से आता है तो टैक्सी तो चली ही जाएगी ना। ओ तो ये सीन है, और हम लोग आए अपनी गाड़ी से। खैर कोई नहीं, चलो सर जा रहे हैं हम लोग क्लास के अंदर। ठीक है जाओ। लेकिन एक सेकेंड, मैंने एक चीज अभी अभी नोटिस की। क्या क्या सर? तुम्हारे कपड़े कुछ अलग है। कपड़े कपड़े कपड़े, हाँ सर कपड़े अलग है। मेरे को पता है इस वाले स्कूल में कोई स्कूल ड्रेस नहीं चलती है, इसलिए मैं घर के कपड़े पहन के आया हूँ। पागल हो गए हो क्या? वो जो उन दोनों बच्चों ने पहन रखी है, जो कि दोनों बच्चे तुम्हारे साथ ही आए हैं, वही वाली स्कूल ड्रेस चलती है इस स्कूल में। हाँ तो वो मुझे पता है सर, लेकिन फिर बाद में रूल बदल गया ना कि जो भी नए बच्चे आएंगे उनको स्कूल ड्रेस नहीं पहन के आना है, वो जो मर्जी कपड़े वो पहन के आ सकते हैं। ऐसा तुमसे किसने कहा? अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो? अरे मेरा पागल बना दिया। अरे तुम्हारा पागल बना दिया यार, साथ में हमारा भी। तुम्हारा कहाँ पागल बना भाई, तुम लोग तो पहन के ही आ गए स्कूल ड्रेस। अरे हाँ यार, वो तो हम लोग अपनी जिद की वजह से पहन कर आ गए। मेरा पागल बना दिया उस एलेक्स के बच्चे ने, उसकी तो खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं। अरे कहाँ जा रहे हो? सर सर एक्चुअली में एक इसी स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ है, एलेक्स नाम के बंदे का, उसी ने मेरा पागल बनाया। अरे जाओ जाओ, कोई किसी का पागल क्यों बनाएगा, और वैसे भी वो तुम्हारा पागल बना के क्या हासिल कर लेगा? अरे सर उसी ने पागल बनाया है। चलो चलो मैं नहीं मानता, अब एक काम करो यहाँ पर खड़े हो जाओ। अरे सर प्लीज मेरे को जाने दो क्लास के अंदर। नहीं 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 नहीं, कम से कम तुम्हें 15 मिनट यहाँ पर हाथ ऊपर करके खड़े रहना पड़ेगा। अरे यार ये तो गलत बात है। ठीक है सर, कर लिए हाथ ऊपर। तो कर लिए तो ये क्या पैर क्यों चला रहे हो? ऐसी बस आदत है। ठीक है ठीक है। अरे सर हम तो जा सकते हैं ना, हम तो स्कूल ड्रेस पहन कर आए हैं। हाँ हाँ तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू सर, वैसे फ्रेंक भी है यार, मैं कह रहा था कि पहन लो स्कूल ड्रेस पहन लो, लेकिन पहन कर ही नहीं आए, और अब सजा भुगतो यार। हंस रहा है तू, निकल यहाँ से। अरे ठीक है यार, बाद में मिलते हैं। अरे मैं जाता हूँ यार, बाय बाय। चलो चलो जाओ जाओ। अरे सर मैं भी जा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हो, तुम भी सर ड्रेस पहन कर आए हो। ठीक है बाय। बात सर एक्चुअली मैं सर मैं भी जा सकता हूँ क्या अंदर? अरे तुम भी पढ़ने आयो? यस सर बिल्कुल, एक्चुअली मैं भी पढ़ने ही आया हूँ। अरे मुझे तो लगा ये जो पढ़ने के लिए बच्चा आया है इसके तुम पेट डॉग हो, इसलिए तुम्हें ऐसे घुमाने के लिए लाया है। ओए जुबान संभाल के, पेट डॉग नहीं हूँ मैं, मेरा नाम चौप है, मेरी भी इज्जत है। अच्छा ठीक है वैसे तुम्हारा एडमिशन हो गया? एडमिशन नहीं हुआ, हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है। तुम्हें तो पता ही होगा सर कि सामने वाले स्कूल में 4 बच्चों ने, नहीं नहीं 5 बच्चों ने टॉप किया था, तो उन टॉपर की लिस्ट में मैं भी था, और उन टॉपर की लिस्ट में मैं फर्स्ट पोजीशन पे था। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सर। ठीक है फिर तो जा ही सकते हो, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू सर थैंक यू। वैसे कल जल्दी आ जाओ तू भी। सर लेकिन ये भी तो स्कूल ड्रेस पहन के नहीं आया है। सर डॉगी के लिए स्कूल ड्रेस थोड़ी ना मिलती है। हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ। थैंक यू सर थैंक यू। अरे जाओ ना यार। जाता हूँ। सर ये तो गलत बात है, वो स्कूल ड्रेस पहन के नहीं आया, आपने उसको भेज दिया। तुमसे कहा ना 15 मिनट हाथ ऊपर करके रहो, मतलब 15 मिनट हाथ ऊपर करके खड़े रहो। ठीक है ये तो गलत बात है यार। अब कितना टाइम हो गया? ओ भाई हो गए 9 बज गए। सर 15 मिनट मैंने हाथ ऊपर खड़े कर लिए। ठीक है अब तुम भी जा सकते स्कूल। थैंक यू सर। वैसे एक सेकेंड, 1 मिनट अभी रह गया है।
अरे सर एक मिनट तो अंदर घुसते घुसते हो ही जाएंगे। ठीक है चले जाओ, लेकिन कल से स्कूल ड्रेस पहन कर आना। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो गाइस फाइनली अब स्कूल के अंदर घुसने को मिला। वैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा होने वाला है इस स्कूल का? पिछला वाला स्कूल तो बहुत ही अलग था, बहुत ही बढ़िया था। देखते गाइस ये वाला कैसा होता है। लेट्स गो गाइस। स्कूल के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, वैसे बाहर तो एक दरवाजा था, दो दरवाजे कैसे हो गए अंदर पता नहीं भाई। इन स्कूल वाले कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी बना देते हैं। बाकी तो हियर वी आर गाइस, और ये अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन हो। ये क्या ऊपर? अच्छा खिड़की है, नहीं खिड़की नहीं है, शीशा है ताकि धूप की रोशनी आती रहे। काफी ज्यादा दिमाग लगा के स्कूल को बनाया गया है। वैसे ही शिनचैन बिनचैन कौन सी क्लास में चले गए होंगे, नजर तो आ नहीं रहा भाई। ये देखो यहाँ पर सारे बच्चे स्कूल ड्रेस वगैरह पहन कर आए हैं। ओ भाई साहब, स्कूल की दीवारें कैसी यार, जेल जैसी बना रखी है इन लोगों ने। ओके अलग अलग यहाँ पर क्लासेज है, कॉफी मशीन भी लगा रखी है, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की भी एक मशीन है। गाइस तुम्हें तो बताया जहाँ भी हम लोगों को एक कोल्ड ड्रिंक मशीन दिखती है, भले ही सुबह हो शाम हो दोपहर हो या फिर आधी रात के 12 बज रहे हो, हम लोग वहाँ से कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते हैं, और वही परंपरा हम लोगों ने यहाँ भी निभाई। चलो अभी आगे चलते हैं। ओके ये स्कूल के अंदर कुछ पढ़ने वाले बच्चे, उधर भी तीन चार बच्चे बातें कर रहे हैं, इधर भी तीन बच्चे हैं। ओ ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है स्कूल की, इधर इधर और इधर तीन चार लोग बैठे हुए हैं, शायद पेरेंट्स वगैरह हैं गाइस, टीचर्स वगैरह से मिलने के लिए आए होंगे। और भाई इधर तो पेंटिंग्स वेंटिंग्स खतरनाक लगी पड़ी है। ओहो स्कूल तो ठीक लग रहा है यार, स्कूल तो बढ़िया लग रहा है, अलग है पूरा का पूरा। ये किसके स्कूल बैग टंगा पड़ा है पता नहीं। और ये क्या है भाई, पंखा है? कितना ज्यादा स्लो पंखा है ये, इतने ज्यादा स्लो पंखे का क्या फायदा, हवा तो आ नहीं रही होगी इससे। यार जो भी हो मुझे क्या करना है। और ये लाइट्स लगी हैं ओ सीलिंग के ऊपर। चलो गाइस थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे स्कूल को। फिलहाल गाइस हम लोग आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना गाइस। हाँ यार अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और कमेंट में जरूर बताना गाइस तुम लोगों को कौन सा वाला स्कूल ज्यादा बढ़िया लगा, फर्स्ट क्लास वाला या फिर सेकंड क्लास वाला। अगर तुम लोगों को फर्स्ट क्लास वाला स्कूल बढ़िया लगा हो तो 1 लिख देना, सेकंड क्लास वाला बढ़िया लगाओ तो 2 लिख देना कमेंट के अंदर, और वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपने स्कूल की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे गाइस नेक्स्ट वाले एपिसोड में। अभी तो ये शिनचैन पिनचैन को भी ढूंढना पड़ेगा कौन सी क्लास में जाके बैठ गए, इनका कोई भरोसा नहीं है। बाकी एक्सप्लोर करेंगे स्कूल को नेक्स्ट वाले एपिसोड में, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो शिनचैन पिनचैन कहां हो तुम लोग? ये चॉप का बच्चा भी चला गया, बताओ यार चॉप भाई कहां है तू?